नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक किसान हैं तो आज का ये वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी बीमा कराना चाहते हैं फसलों का, तो अवश्य करा लें। तो उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचनाएँ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देश भर में जो किसान हैं उनकी फसलों को कभी ना कभी बाढ़ आ जाने की वजह से या फिर आपातकालीन स्थिति में जो है आपकी जो फसलें हैं उनका विनाश हो जाता है, वो क्षतिपूर्ति हो जाती है। तो इससे आप अपनी फसलों को जो है एक बीमा करा सकते हैं, एक सुरक्षा जो है प्रदान कर सकते हैं। सन 2021-22 के तहत आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर कभी भी आपकी जो फसल है वो ख़राब हो जाती है, तो ये जो इंश्योरेंस का पैसा है ये आपकी फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के तहत ही आपको फसल का जो पैसा है सारा का सारा वो प्रदान कराएगा। तो जानते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। तो आपको बता दें कि 5 वर्षों में 13 जनवरी 2016 में ये स्टार्ट की गई थी। और इस योजना में दोस्तों, आपको बताएं कि स्वेच्छा से अगर आप अपनी फसलों का जो बीमा कराते हैं, तो आपातकालीन स्थिति कोई सी भी हो, तो इसमें क्या है कि आपको जो सरकार है वो हर्जाना देती है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब तक के 90,000 करोड़ लोगों को जो रुपए है उसका जो दावा है वो भुगतान कर चुकी है। इसके तहत दोस्तों, अगर आपकी कभी भी जो फसल ख़राब होती है उसमें खरीफ फसलों में 2% तथा आपकी जो रबी फसलें हैं उसमें 1.5% का जो भुगतान है वो बीमा कंपनी करती है, जिससे कि आपको बीमा प्रदान कराया जाता है। इसके अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको अधिकतर जो जानकारी है वो प्राप्त हो सकती है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके तहत जाके आप जो इनकी gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके लॉगिन करें और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो ये 90 करोड़ रुपए का जो सरकार प्रावधान लेकर आई है किसानों के लिए, स्पेशली जो उनकी फसल बीमा योजना को लेकर, ताकि जो भारतीय किसान हैं उनकी जो वृद्धि की जा सके, उनकी फसलों को सुरक्षा प्रदान की जा सके और कृषि को देश में बढ़ावा दिया जा सके। तो दोस्तों, ये जो फसल बीमा योजना है इसके अंतर्गत आपको लगभग 5.5 करोड़ किसानों को आवेदन किया है इसमें, और 90 करोड़ रुपए का जो दावा है अभी तक की सरकार इसका भुगतान कर चुकी है। जैसे कि दोस्तों, अभी आप हाल में ही जानते हैं कि उत्तराखंड में जो बांध टूटा है उससे काफ़ी लोगों की जो फसलें हैं उसका विनाश हुआ है। अगर उन लोगों में से काफ़ी लोगों ने अगर बीमा कराया होगा तो उनको जो है अच्छी खासी रकम मिल जाएगी और ऐसी दुखद स्थिति में उभरना आसान हो जाएगा। आपको दोस्तों बता दें, जो इसकी अंतिम तिथि है वो 31 जुलाई है। तो अगर अभी तक के आपने जो बीमा है वो नहीं कराया अपनी फसलों का, तो करा लें। इसमें जो सहायक राशि होती है वो आपको 2 लाख तक के मिल जाती है इस बीमा में। तो आपको क्या है, कुछ अंशदान जो है बीमा कंपनी को देना होता है। आपातकालीन स्थिति में आपको ये जो पैसा है 2 लाख रुपए जो बीमा का, वो आपको आपकी जो फसलें हैं उनके लिए दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि पीएम फसल बीमा योजना में जो प्रक्रिया है वैसे कैसे करनी है। तो आपको यहाँ पे जो 31 जुलाई तक के जो है आपको खरीफ फसलों की, और 31 दिसंबर तक के जो है लास्ट डेट है रबी फसलों के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन या आवेदन करवाने के लिए। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल योजना जो दिसंबर में अपडेट आया है उसके तहत अभी जो 20 में जो अपडेट आया है उसमें कहा गया है कि आप अपनी बीमा जो है अपनी फसलों का जल्द से जल्द करा लें। और साथ ही साथ सरकार ने 72 घंटे शिकायत एक स्थायी कार्यालय हेल्पलाइन नंबर भी जो है लोगों को प्रोवाइड कराया है। तो ये नंबर दोस्तों आपको हमारी स्क्रीन के नीचे मिल जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है 18-00-18-0-15-51 पर संपर्क करके आप अपनी किसी भी परेशानी को डायरेक्ट जो है कार्यालय तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, आप अपनी फसल का बीमा अवश्य करा लें। फसल बीमा योजना में जो प्रपत्र है उसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके लिए आवश्यक है कि सभी जो किसान प्रपत्र देंगे वो इस देश के निवासी होने चाहिए। साथ ही साथ इस योजना के तहत अपनी ज़मीन में या फिर जिसमें आप खेती कर रहे हैं आप उसका भी जो है बीमा करवा सकते हैं, पर उसके लिए जो आपकी ज़मीन है जिसकी, उसकी सहमति होना आवश्यक होती है। और इस योजना का अगर आप प्रपत्र जमा करना चाह रहे हैं, तो इस बीमा योजना का जो लाभ है आप तभी ले सकते हैं जब आप प्रधानमंत्री की किसी अन्य योजना का जो लाभ नहीं उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री जो आपकी बीमा योजना है इसमें क्या है कि आपको जो ज़रूरी दस्तावेज है वो है आपका किसान आईडी कार्ड, आधार कार्ड
राशन कार्ड, बैंक खाता, किसान एवं ड्राफ्ट प्रूफ, मतलब आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो होना चाहिए, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, आपका आईडी हो गया, या आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो। अब बात करते हैं कि अगर आप किसी के खेत में जो है खेती कर रहे हैं तो आपके पास एक अप्रूवल जो डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए। उसके तहत भी अगर आप एक मजदूर के तौर में काम कर रहे हैं तब भी आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। तो खेत का जो खाता नंबर है या खसरा नंबर संख्या है वो होना चाहिए, आवेदक का जो फोटो है वो ज़रूर होना चाहिए, साथ ही साथ किसान द्वारा फसल की गई जो बुआई है उसकी तारीख ज़रूर यहाँ पे मेंशन करनी है ताकि उनको पता चले कि आपने किस वक्त जो फसल है वो बोई थी। तो 31 जुलाई तक के आप जो अंतिम तिथि है खरीफ फसलों की और जो रबी फसलें हैं वो आप 31 दिसंबर तक के जल्द से जल्द अपनी फसलों का बीमा करा लें ताकि इस योजना का आप अति शीघ्र प्राप्त कर सके। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अधिकतर लोग जो है इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके। साथ ही साथ दोस्तों अपनी सिटी का जो नाम है, अपने शहर का नाम है, कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट जरूर करें ताकि आपके राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक शीघ्र अति शीघ्र पहुंचाई जा सके। और अभी तक के अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।